बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। ये जो मेरी चैप्टर टू के हवाले से टेबुलर एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, चैप्टर टू की ये जो प्रेजेंटेशन है उसके हवाले से ये एक क्वेश्चन है जो इस प्रेजेंटेशन में मौजूद है, तो इसको मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूँ और ये प्रेजेंटेशन उसके लिए है। इंशाल्लाह इसका डेमोंस्ट्रेशन से आपको इसकी ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। तो बहरहाल ये मेरे पास क्वेश्चन है, ये कोई जो है ना रेस्टोरेंट है फ्लोरिडा में। दिस रेस्टोरेंट यूजेज अ क्वेश्चनेयर टू आस्क कस्टमर हाउ दे रेट द सर्वर फूड क्वालिटी कॉकटेल प्राइसेस एंड एटमॉस्फेयर एट रेस्टोरेंट। तो ईच कैरेक्टरिस्टिक इज रेटेड ऑन अ स्केल ऑफ आउटस्टैंडिंग वेरी गुड गुड एवरेज एंड पुअर। मतलब ये कि एक जो रेस्टोरेंट है अपने कस्टमर से एक सर्वे कर रहा है और सर्वे में कई चीज़ों का जैसे फूड क्वालिटी है, कॉकटेल है, प्राइसेस है, एटमॉस्फेयर है रेस्टोरेंट का, उसके हवाले से पूछते हैं और इनमें से हर चीज़ के मुतालिक कस्टमर यह बताते हैं कि वो चीज़ आउटस्टैंडिंग है, मतलब बड़ी बेहतरीन है। अगर ओ वो टिप पे टिक करते हैं तो इसका मतलब है आउटस्टैंडिंग है, अगर वो वी पे टिक करते हैं तो इस मीन वेरी गुड, अगर वो जी पे टिक करते हैं तो इसका मतलब है ये गुड है, अगर ए पर टिक करते हैं तो एवरेज है और अगर वो पी पर टिक करते हैं तो ये पुअर क्वालिटी है। बहरहाल तो ये लेकिन अभी हमारा काम पूरे सर्वे से नहीं है, सर्वे में एक खास चीज कम फूड क्वालिटी कहते हैं उसके मुतालिक है। यूज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक टू समराइज द फॉलोइंग डेटा कलेक्टेड ऑन फूड क्वालिटी। तो ये जो डेटा आया है ये फूड क्वालिटी का डेटा है। व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट द फूड क्वालिटी रेटिंग एट द रेस्टोरेंट। तो बहरहाल ये जो डेटा आया है ये फूड क्वालिटी के मुतालिक है। हमने एक तो इसकी समरी बनानी है और बेसिकली वो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो इस एग्जांपल की मदद से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास कोई कैटेगोरिकल डेटा होता है, जैसे ये कैटेगोरिकल डेटा है, कैटेगोरिकल डेटा हो तो उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं। इसी तरह का कोई क्वेश्चन शायद आपको पेपर में मिल जाए और ये इस तरह का डेटा हो, बहरहाल आइडिया यही है। तो ये क्वेश्चन है। अब मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि थोड़ा सा कुछ काम पहले से कर दिया है, वो इतना ज़्यादा नहीं है, या अभी मैं आपको पेंट में वो बता रहा हूँ। एक्चुअली ये एक छोटी सी टेबल है जो मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहले से बना दी थी। यहाँ मैंने लिखा फूड क्वालिटी जो वेरिएबल का नाम है और ये उसके मुख्तलिफ लेवल है, ओ फॉर आउटस्टैंडिंग, वी फॉर वेरी गुड, जी फॉर गुड, सी फॉर ए फॉर एवरेज एंड पी फॉर पुअर। ये जिस तरह आपको क्वेश्चन में बताया गया था वो हमने बता दिया। फूड क्वालिटी वेरिएबल का नाम है और ये जो आपके पास ओ वी जी ए और पी हैं ये उसके मुख्तलिफ लेवल है, फूड क्वालिटी के लेवल हैं। और ये एक टोटल का कॉलम, आखिर में टोटल करने की जरूरत पड़ जाए तो मैंने खुद ऐड कर दी, ये करो मैंने टोटल के खुद से ऐड कर दी। दूसरा ये एक टेली बार का कॉलम है, ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा देर में बता दूंगा कि इसका क्या काम है। और इस कॉलम में हम वो फ्रीक्वेंसीज जो अभी तक मैं आपको पीछे भी इतनी एग्जांपल दे दी हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आखिर में एक फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का कॉलम होता है, तो इसमें हम वो फ्रीक्वेंसी रखेंगे। राइट नाउ मेरे साथ मसला ये है कि जब आप यूनिवर्सिटी में होते थे, क्लास में होते थे, हमारे पास जो है ना मौका होता था आपको बोर्ड पे समझाने का। अब मेरे पास बोर्ड नहीं है तो मैं माइक्रो ये जो पेंट सॉफ्टवेयर है इसको मैं एज अ बोर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये जो सारी टेबल मैंने बनाई है इसमें खासतौर पर ये टेली बार का कॉलम बनाया है वो मैं इस डेटा में आउटस्टैंडिंग कितने हैं, वेरी गुड कितने हैं, गुड कितने हैं, एवरेज कितने हैं, उसको गिनने के लिए किए हैं। और ये गिनने का काम हम कैसे करते हैं आपको ये चीज़ समझानी है।
याद रखें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये मुख्तलिफ ऑप्शंस को गिनना बहुत ज़रूरी होता है और उसके लिए टेली बार का कॉलम बनता है। एक दफ़ा गिनती का कॉलम काम मुकम्मल हो जाए तो फिर इस कॉलम की ज़रूरत नहीं होती, हम इसको बाद में गायब कर देते हैं, लेकिन फिलहाल ये कॉलम बहुत ज़रूरी है। ये काउंटिंग हम कैसे करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी की काउंटिंग हम कैसे करते हैं, ये चीज़ मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। चले जी क्वेश्चन में जाके डेटा देखते हैं और फिर इधर मैं बताता हूँ कि मैं काउंटिंग कैसे कर रहा हूँ। तो ये जी हमारे पास, अगर मैं इस, ये हमारे पास डेटा है। अब जी फॉर जी का मतलब है गुड है, वी फॉर वेरी गुड, वेरी गुड एंड ओ फॉर आउटस्टैंडिंग। चले इस तरह करते हैं, हम एक कॉलम फिर दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम इस तरह करते करते इस डेटा तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है जी वी वी और ओ, जी वी वी और ओ, इसको जरा याद रखें और देखें मैं इसके साथ क्या करता हूं। जी वी वी और ओ के साथ मैं करता क्या हूं, मैं ये करता हूं कि ये एक मैंने लाइन सेलेक्ट कर ली है और जी के सामने मेरे पास एक जी था तो जी के सामने मैंने एक छोटी सी लाइन लगा ली जी। ये देखें, पहले मेरे पास जी था फिर दो दफा वी और फिर ओ, तो पहले जी था फिर दो दफा वी, तो ये देखें एक वी उसके करीब यहां सॉरी ये जरा मसला है बोर्ड पे, ये बड़ी आसानी होती है। ये और वी जी और फिर दो दफा वी और फिर क्या था, फिर था ओ, तो ये ओ किधर है, ओ जो है या आउटस्टैंडिंग यहां पर, ठीक है। ये बार जरा क्लिक कर लूं ताकि, तो हमारे पास जी आया यहां पर, वी आया और आउटस्टैंडिंग के लिए ये आ गया। इसके बाद हम आगे जाते हैं डियर स्टूडेंट और ये देखते हैं कि अगले कॉलम में क्या है। उसमें दो ओ हैं, ए है और जी है, ओ ओ ए जी। अब जरा देखें इनके साथ में क्या करता हूं, ये देखें ओ, ये बाहर क्लिक करना पड़ता है, अगेन ओ, दो दफा ओ हो गया, दो दफा ओ फिर ए जी, तो ए मेरे पास कहां पर है, ए मेरे पास यहां पर है, ये ए, ए और जी, ये जी ये गुड के लिए है इधर इसके करीब। तो ये देखें दो दफा ओ और फिर ए और जी, उसके लिए मैंने निशान लगा लिए। ये निशान रूटीन में पेपर पे सॉल्व कर दिया, आप पेन और कागज से लगाते हैं तो बड़ी आसानी से लग जाते हैं, लेकिन यहाँ मुझे बात समझानी है। अब चूंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है बोर्ड वगैरह का, तो मैं मजबूरन इसको इस्तेमाल कर रहा हूं। अब फिर आगे देखते हैं, ये कॉलम भी हो गया। अब वी पी जी ए, वी पी जी ए को देखें मैं कैसे करता हूं। वी पी जी ए, तो वी एक तो ये काफी दूर है, दरमियान में एक और के लिए जगह है, चले मैं इधर लगा लेता हूं वी, ये वी हो गया, फिर वी पी, पी यहां पर आ गया, वी पी, वी पी और फिर जी ए, तो जी के लिए ये जगह है, और इसके बाद ए के लिए ये जगह है। तो ये वी पी जी ए का हमने कर दिया जी, वी पी जी ए। फिर इसके बाद है जी वी डबल ओ, जी वी डबल ओ, जी वी डबल ओ, तो ये देखें ये जी, जी और वी
जी वी और डबल ओ, तो ये एक ओ हो जाएगा, ये एक ओ हो जाएगा, ठीक है ना। जी वी और डबल ओ, डबल ओ मैंने अभी तक एक ओ लगाया है। अब जरा ये देखें, ये खास तौर पे नोट करने की बात है, चार वी और चार लाइनें लग जाए तो पांचवी लाइन ऐसे लगानी है। जी वी डबल ओ हो गया जी, जी वी डबल ओ हो गया। इसके बाद ए ओ डबल वी, ए ओ डबल वी, ए ओ डबल वी, तो देखें ये ए हो जाएगा ए, फिर इसके बाद है ओ, ओ के लिए ये जगह है, जरा उससे दूर करके, वो पांच से जरा दूर करके, ए ओ, ए ओ, ए ओ और डबल वी, ए ओ डबल वी, डबल वी देखें, एक वी तो चले ऐसे लग जाएगा और एक उससे जरा दूर करके ऐसे लग जाएगा, ठीक है। तो ए ओ डबल वी भी हो गया। इसके बाद ओ जी पी ओ, ओ जी पी ओ, ओ जी पी ओ को देखें कैसे लगते हैं। ओ ओ तो यहां लगेगा, ओ ओ जी, अब जी को देखें, ओ जी पी ओ, ये वाला ओ जी पी ओ, ओ जी पी ओ, पी यहां पर, ओ जी पी और फिर ओ, तो ओ यहां पर, याद रखें ये जब आप हाथ से कागज पे करते हैं तो बहुत आसानी से होता है, पेपर में हल करते हो कि इतना मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन मुझे चूंकि प्रोसीजर समझाना है बोर्ड वाला सारा, बोर्ड पे हमें भी लिखने में इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन आपके लिए अभी चूंकि मेरे यह मसला है, कुछ इस तरह की सिचुएशन है, लिहाजा मजबूरन मैं इसी तरह कर रहा हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आए। इंशाल्लाह ये एक ही दफा बनेगा, बार बार का मसला नहीं है, आपको टेली बार का समझ आ जाएगा। बहरहाल ओ जी पी ओ हमने कर दिया, अब कहते हैं अब क्या करेंगे इस कॉलम को, वी ए वी ओ, वी ए वी ओ, देखें यह है वी वी ए वी ए वी ए और फिर वी ओ, तो दोबारा वी हो जाएगा, ये वी ए वी ओ, ये वी ए वी हो गया, और अब इसके साथ एक ओ, वी ए वी ओ, वी ए वी ओ, ये वाला हो गया। अब ट्रिपल ओ जी, ट्रिपल ओ जी को कैसे करना है, ऑलरेडी बस वो तकरीबन मुकम्मल है, तो क्योंकि चार हो गए पांचवा आ रहा है, तो ट्रिपल ओ को कम कर क्या, एक ओ तो हम ऐसे लगा लेंगे, ओ डबल ओ उसके करीब लगा के जरा फासले पर, यहां पर दो ओ हो गए और ये तीसरा ओ, ट्रिपल ओ यहां मुकम्मल हो जाएगा, ट्रिपल ओ, और ट्रिपल ओ के साथ क्या था, जी, ट्रिपल ओ जी, जी यहां पर उस गट्टे से जरा दूर करके ना, पांच कटे हो तो उससे जरा दूर करके लगाएगा, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ट्रिपल ओ जी हो गया, अब इसके बाद वी डबल ओ वी, वी डबल ओ वी, वी डबल ओ वी, तो ये देखें एक वी यहां लग गया, वी डबल ओ, ये वो डबल ओ वाली जगह,
एक दफा ओ लग गया, दोबारा ओ लग गया यहां पर, वी डबल ओ, वी डबल ओ, और फिर क्या था, वी डबल ओ वी, वी डबल ओ वी। अच्छा अगले वी पे वी के फाइव पूरे हो रहे हैं, तो अगेन इस तरह वी डबल ओ वी हमने कर दिया, ये हो गया वी डबल ओ वी भी हो गया। फिर जी ओ जी ए, जी ओ जी ए गोका समझ लें, जी ओ जी ए, तो चले जी जी ओ जी ए, देखें जी जी ओ अगेन, जी ओ जी ए, जी ओ जी और ए, ए के ये पांच पूरे हो गए, ठीक है जी, जी ओ जी ए गोगा, वो भी हो गया। फिर अब ओ जी ओ जी, तो चले जी ओ जी करते हैं जी, ये ओ जी और अगेन ओ जी, ओ और दो दफा हो गया और दो दफा जी, तो ओ जी भी हो गया, ओ जी भी हो गया। अब वी डबल ओ, वी डबल ओ, तो अब ये वी जरा दूर करके बाकियों से ताकि कंफ्यूजन ना हो, वी वी और फिर क्या था डबल ओ, वी और डबल ओ, तो डबल ओ यहां पर ये एक ओ और ये दूसरा ओ, वी डबल ओ, ये वी डबल ओ की बात हो गई है, ठीक है जी। आखिर में ए डबल वी करना है, ए डबल वी, ए डबल वी ये हो जाएगा ए और डबल वी, तो एक वी इधर और उसी के करीब एक और वी, ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा जी, अब आपने ये देख लिया डियर स्टूडेंट, हमने सारा डेटा का, ये जितना भी डेटा था उसके हमने निशानात लगा लिए हैं, ये निशान हमारे पास लग गए हैं। अब हमने काउंट करना है इसका, पांच पांच करके काउंटिंग बड़ी आसान हो जाती है। देखिए पांच पांच दस, पांच पंद्रह और चार उन्नीस, तो हमने यहां पर 19 लिखना है, यहां हमने क्या लिखना है 19, ठीक है। और बार क्लिक करेंगे, ये कहीं और क्लिक कर लेता हूं, ये 19 आ गया, तो ये 19 फ्रीक्वेंसी हो गई। इसी तरह ये देखें पांच पांच दस और तीन 13, तो हमने क्या करना है ये, और यहां पर क्लिक करके 13, ठीक है ये हो गया। इसके बाद पांच पांच दस, तो यहां हमने 10 लिखना है, यहां मैंने 10 लिखना है, ठीक है ये, और यहां मैंने 6 लिखना है, यहां मैंने जरा इधर करके लिख लेते हैं 6, ठीक है ये जरा बहुत ही उधर हो गए, ये चले 6 आ गया, इधर चाहता हूं कि लाइन में नजर आए। और आखिर में 2 लिखना, 2 लिखना है, ठीक है जी। और ये हो गया। तो अब आपके पास पता चला कि आउटस्टैंडिंग वाले कितने लोग कह रहे हैं, 19 लोग कह रहे हैं, वेरी गुड वाले कितने लोग कह रहे हैं, 13 लोग कह रहे हैं, गुड वाले 10 और 6 लोग हैं जो एवरेज कह रहे हैं, पुअर 2 लोग हैं जो कह रहे हैं। अब इन सब का टोटल करें, इस टोटल को कितना आना चाहिए, ठीक है ये इधर देखें,
आप इन सबको काउंट करें कि ये कितने हैं, ठीक है। बेसिकली ये देखें, 1 2 3 4, 4 ये हैं। एक अगर मैं अगर यहाँ तक पहले काउंट कर लूँ ये ज़रा आसान हो जाएगा। एक में 4 हैं तो ये कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 44 तो यहाँ तक हो गया। 11 4 ज़ा 44, 45 46 47 48 49 50, यानी ये 50 हैं। तो अब अगर हमने सही सही काम किया तो इन सब का टोटल 50 आना चाहिए। चले जी चेक करते हैं कि इसका टोटल 50 आता है कि नहीं आता, ठीक है। चले चेक करते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर निकालें, ये कैलकुलेटर हो गया, ठीक है। और इसमें ये वैल्यूज टोटल करते हैं, 19 प्लस 13 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 2, ये 50 हमने सही काम किया है। तो यहाँ पर अब हम क्लिक करके 50 लिख लेते हैं, ठीक है, और बाहर क्लिक कर लेते हैं। तो ये मेरे पास टोटल फ्रीक्वेंसी मेरे पास कितनी आ गई है, 50। और डियर स्टूडेंट ये बन गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मजीद आगे डिस्कशन में हम ये टेली बार का कॉलम नहीं रखेंगे, और हम ये अब आपके लिए तो ठीक है, मैं अब इस प्रेजेंटेशन में रख लेता हूँ, लेकिन मजीद डिस्कशन में हम ये टेली बार का कॉलम नहीं रखते। ये कॉलम सिर्फ इनको काउंट करने के लिए कि हमारा ये जो डेटा है, ये जो डेटा है, इस डेटा में आउटस्टैंडिंग कितने हैं, वेरी गुड कितने हैं, गुड वाले कितने हैं, एवरेज कितने हैं, पुअर कितने हैं। यही तरीका कार आप बिलफर्ज कहीं वोटिंग वगैरह हो रही हो तो उनको गिनने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कई जगहों पर भी ये इस्तेमाल हो सकता है। ये एक सिंपल सा टेक्निक है स्टैटिस्टिक का, जिसको हम टेली बार कहते हैं। तरीका कार ये होती है कि आप एक लाइन लगा दे, जो जो जितना जितना ओ आ रहे होते हैं तो आप उसके सामने जो भी आ रहा होता है उसके सामने आप तरतीब से पढ़ रहे होते हैं एक एक करके, और जो जो आ रहा होता है उसके सामने लाइन लगा लेते हैं। चार लाइनें पूरी हो जाए तो पांचवी लाइन जरा ऐसे करके लगा के और आगे लाइन जरा दूर करके लगाते हैं, ये तरीका कार होता है। और आखिर में जब सारा काम मुकम्मल हो जाए तो इस तरह गिनते हैं, 5 5 10 15 और 4 19, और यहाँ 19 लिख लेते हैं, 5 5 10 3 13 इस तरह लिख लेते हैं, 10 लिख लेते हैं, 6 लिख लेते हैं, जो भी आ रहा है, और फिर टोटल करते हैं। ये जो टोटल है ये आपके डेटा में जितने ऑब्जर्वेशन हैं उनके बराबर होना चाहिए। या हमारे पास 50 ऑब्जर्वेशन थे, ठीक है। अगर आपके पास ये 50 नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं आपने गलती की हुई है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट किस तरह करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट किस तरह करते हैं। होपफुली कुछ ना कुछ आपको समझ आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।